बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे वीडियोस के अंत तक देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल शाहिन्स कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी खशखाश का हलवा। खशखाश का हलवा बनाने के लिए हमें जो अज्जा ज़रूरत होंगे वो ये हैं। इसमें सब चीज़ें मिक्स हैं। खशखाश मैंने 200 ग्राम के दो डब्बे लिए हैं और वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। फिर उसके बाद अखरोट के दो पैकेट हैं, पिस्ता के दो पैकेट हैं, बादाम के दो पैकेट हैं। इन सब को मैंने ग्राइंडर कर लिया है और आपके सामने ये पाउडर पड़ा हुआ है। सूजी 1 कप, इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। देसी घी 1 पाव, चीनी 1 छोटा पाव। सबसे पहले कढ़ाई में मैं देसी घी शामिल करूँगी और अब देसी घी को मेल्ट करूँगी। देसी घी मेल्ट हो गया, अब मैं सूजी शामिल करूँगी। सूजी घोल दी है, अब मैं खशखाश पाउडर शामिल करूँगी जिसमें सब ड्राई फ्रूट मिक्स है। खशखाश का हलवा तैयार हो गया है, देसी घी साइड पे आ चुका है, अब मैं इसे प्लेट में सर्व करूँगी। माशाल्लाह से हमारा खशखाश का हलवा तैयार हो गया है। इसे मैंने देसी घी में बनाया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।